अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, पता नहीं कितने दिन बाद, और ये सारा देखें जैसे कूड़ा पड़ा होता है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें मेरी पड़ी हुई है। सो मैं यहाँ से एक्चुअली निकालना चाह रही थी एक बैग जो मैं आज लेकर जा सकूँ, लेकिन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पता नहीं क्या हालत हुई है इसकी। मैंने बिल्कुल भी सेटिंग से चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी वजह है, खैर छोड़ें। ओके, और अब मेरा एक बैंगल था, उस जैसा मेरी फ्रेंड का भी था, हमारा सेम था, वो भी मैंने उसको दिया था छुट्टियों में, लेकिन मैंने जाना याद नहीं रही उसके घर जब गई थी। ये है वो खूबसूरत सही रखे, बहुत क्यूट है ये, मुझे उसने गिफ्ट किया था, उसका भी और मेरा सेम था। सो ये भी हो गया डन। उसके बाद यूनिवर्सिटी कार्ड भी यहाँ से ढूँढना कोई आसान टास्क नहीं है, और ये नेल पॉलिश पे अभी सेलेक्ट करनी है, ये कुछ कलर्स हैं बाकी दूसरी जगह पर, और स्टूडेंट कार्ड है जो वो मैं अब ढूंढना चाह रही हूँ, ये मिल जाए आज ही। हाँ जी कर दें। अच्छा, ये एक्चुअली मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, वो भी करना है, तो वो मम्मा पूछ रही थी। ये स्टूडेंट कार्ड भी मिल गया फाइनली, शुक्र है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिल जाएगा, लेकिन नेल पेंट मेरा ये लगाने का दिल है, लेकिन लगाऊंगी कोई और। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी। तो ये चाय तो आ चुकी है, और इसके अलावा मैं अपने बैग में रखूंगी कुछ चीज़ें। सबसे पहले रखूंगी ये फेस वॉश, जो कि बहुत ज़बरदस्त है फेस वॉश। वहाँ फेस तो मैंने वॉश नहीं करना था, लेकिन हाथ वगैरह करने पड़ जाते हैं, साइड करने का बहुत मज़े के रिजल्ट हैं इसके, बेस्ट। और इसके अलावा मेरा एक ये बैंगल है जो उसका भी है, मैंने आपको दिखाया था याद हो तो, और ये मेरा सेम है, बहुत खूबसूरत है ये भी और वो भी। थैंक यू सना वंस अगेन। मैं तो भूल ही गई स्टूडेंट कार्ड रखना, क्योंकि स्टूडेंट कार्ड रखना बहुत लाजमी है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो गार्ड्स हैं उनको कभी कभी याद आ जाता है कि स्टूडेंट्स हैं और इनका कार्ड भी बना हुआ है, वो भी चेक करना है, और वो रैंडम ही चेक कर लेते हैं, मोस्टली मेरे पास होता ही नहीं है, लेकिन आज मैं लेके जा रही हूँ, अब आज लेके जा रही हूँ, लेकिन आज वो चेक नहीं करेंगे मुझे पता है, सो एहतियातन मैं रख लेती हूँ। तो बहुत लंबी छुट्टियों के बाद मैं आज जा रही हूँ, इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ थी कि मुझे याद भी नहीं है कि किस डेट को छुट्टियाँ हुई थी। एक्चुअली ये हमारा सेमेस्टर ब्रेक था, समर वेकेशंस भी थी, हाँ, और सेमेस्टर ब्रेक भी था। तो बैग को रखूँगी मैं साइड पे और करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि 12:26 हो चुकी है और 1 बजे मेरा कैरी भी आना है, और अभी ब्रेकफास्ट में भी टाइम लगेगा, और रेडी तो मैंने ऐसे हो जाना है जस्ट इन 5 मिनट्स। सो लेट्स सी, मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट डे है, जाने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, बिल्कुल भी मेरा दिल है कि कुछ ऐसा मौजा हो जाए कि छुट्टी अनाउंस हो जाए, कि कहें कि आज पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ होगी, पूरी ना हो लेकिन सेमेस्टर सेमेस्टर नाश्ता भी हो चुका है डन, और सिर्फ रह गई है चाय, जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि चाय तो मेरी ज़िंदगी का कुल हिस्सा है। उसके बाद फिर हम ऐसे रेडी होंगे और निकलेंगे। एक चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं ढूंढ ढूंढ के पागल होने वाली हो गई हूँ, वो इसमें थी, मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो यहाँ हो चुकी मैं ऑलमोस्ट रेडी, और अगर आज का सबसे बड़ा दुख मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो ये है, बहुत प्यारा था ये, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ फेंक गया, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा कि गिर गया है या क्या हुआ है, लेकिन मुझे तरीका नहीं आ सकता ये फाइनल हो गया, और मुझे जिस दिन तरीका आएगा वो ज़िंदगी मेरी का आखिरी दिन होगा। एक्चुअली मेरा नील पेंट अभी थोड़ा गीला है, ये भी तकरीबन ऑरेंज मिल ही गया था, और
इसके अलावा मैं आपको शूज़ दिखाती हूँ, वो है ये, बहुत प्यारे मैच हुए हैं ये भी। अभी थोड़ा फिल्टर है इसलिए थोड़ा फर्क लग रहा है, लेकिन लाइव देखने में एग्जैक्ट मैच है। कैरी का भी टाइम हो गया और अब मिलते हैं हम यूनिवर्सिटी में, थोड़ी नेल पेंट भी ख़राब हो गई, ये देखें, सो सैड। और ये हुआ तो कुछ यूँ है कि मैं पैसे लेना भूल गई और अभी मुझे मामा ने याद करवाया, मैं आधे रास्ते से वापस आई हूँ। सो अब मैं लूँगी ये चीज़, ये लक्ष्मी, और फिर चलेंगे हम इससे। मामा मैं अभी कहूँ ना, मेरे बैग में रोनक रोनक से क्यों नहीं है, और मैं खुद भी ना मतलब स्पीड नहीं कर रही थी। अच्छा अब आप ये देख रहे होंगे तो अल्लाह खैर करे, वाटर बॉटल मुझे नहीं मिली, अगर इसके ऊपर हॉट लिखा हो। कितना मजे है।